लड़कियों और महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न और यौन शोषण की रोकथाम के लिए देश में पॉस्को एक्ट लागू की गई है। इस अधिनियम की जानकारी आम लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचे, इसके लिए झारखंड विधिक सेवा विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है। इसी के तहत आज राजधानी रांची के डीएवी सभागार में अभिभावकों के बीच एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर झालसा के अपर सचिव मनीष मिश्रा ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में झारखंड विधिक सेवा विभाग द्वारा मुहैया कराई जा रही विधिक सेवाओं की जानकारी झारखंड के गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही है। लोग स्कूल में डिफरेंट कंपटीशन आयोजित किए हैं, जैसे कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, एलोकेशन कंपटीशन, एक्सटेम्पोर, और आज उसी के तहत पॉक्सो का भी किया जा रहा है पैनल डिस्कशन। इसका उद्देश्य है कि अपने पेरेंट्स को हम इसके बारे में, इस एक्ट के बारे में पेरेंट को जानकारी हो और कैसे हम अपने बच्चों को इससे यौन उत्पीड़न और इससे हम कैसे अपने बच्चे को संरक्षित कर सकें। प्रधानाचार्य एनके मिश्रा ने बताया कि डीएवी हेहल में झालसा द्वारा लीगल लिटरेसी क्लब की स्थापना की गई है। इसके सौजन्य से स्कूल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। आजादी का उत्सव मना रहे हैं, इसमें विभिन्न योजनाओं, जो गवर्नमेंट की बेनिफिशरी योजनाएं हैं और लीगल आस्पेक्ट या जो भी कानून से संबंधित जानकारी हैं, उसको हम लोग गांव जाकर उसको अवेयर कर रहे हैं। इसी के तहत आज का आयोजन किया गया है, जहां पे हम आज का टॉपिक पॉक्सो है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जिसमें हम बच्चों को और उनके अभिभावकों को इस एक्ट के बारे में। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के सभी विभागों द्वारा अपने तरह से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान झालसा भी लोगों के बीच विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर अमृत महोत्सव मना रहा है। आज के इस कार्यक्रम में डीएवी हेहल के अभिभावकों ने पॉक्सो एक्ट और झालसा द्वारा उपलब्ध कराई जा रही अन्य विधिक सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। न्यूज विंग के लिए रांची से संध्या की रिपोर्ट।